दोस्तों, अभी आपके सामने एक नई डॉक्यूमेंट्री खूनी पतंग। यह विषय है मकर संक्रांति के ऊपर, जो युवक बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनसे पशु पक्षी तो मरते ही है, घायल भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्कूटर से चलने वाले युवकों की गर्दन भी कट जाती है। कई बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो गिरकर मर भी जाते हैं और घायल भी होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पतंग उड़ाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप इसको किसी अन्य जगह पर जाके उड़ाइए, जिससे कि किसी का जनहानि न हो और पशु पक्षी भी नहीं मरे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पतंग नहीं उड़ाओ तो सबसे बड़ा धर्म है जीव दया। बस दोस्तों, जय जिनेंद्र। आसमान में अटखेलियां करती हुई पतंगे आपको और हमको जरूर आकर्षित करती हैं, और खासकर आने वाले मकर संक्रांति पर्व पर पूरे देश में आसमान में जहां तक नजर जाती है रंग बिरंगी पतंगे ही पतंगे नजर आती है। आइए हम आपको बताते हैं काइट्स यानी पतंगों का इतिहास। चीन में सबसे पहले पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हुई। उस समय पतंगे पतले सिल्क और मजबूत बांस की बनाई जाती थी। इंडोनेशिया की कुछ प्राचीन गुफाओं में प्राप्त चित्रकारी से पता चला है कि 3000 वर्ष पहले यहाँ पतंगे उड़ाई जाती थी। यह पतंगे पत्तियों की बनी होती थी। लगभग 1500 वर्ष पहले कागज की पतंगे उड़ने लगी। प्राचीन काल में भी और आज भी पतंगों को उड़ाना एक मनोरंजन का साधन माना जाता है। मनोरंजन के साथ पतंग का इस्तेमाल दूरी नापने, हवा का रुख और तीव्रता जानने के लिए किया जाता था। इसके अलावा संदेश भेजने के लिए और जासूसी के कामों के लिए भी पतंग का प्रयोग किया जाता था। एक युद्ध के दौरान बचाव अभियान के लिए कागज की पतंग पर संदेश लिखकर भेजा जाता था। इसके अलावा पतंगों का प्रयोग दुश्मन के इलाके के निरीक्षण के लिए भी किया जाता था। समय बदला, वक्त बदला और आ गई 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों का ध्यान पतंगों की ओर गया और वे उनका प्रयोग शोध के लिए करने लगे। 1750 में अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह जानने के लिए आसमान में जो बिजली चमकती है वह विद्युत है या नहीं, तूफान के दौरान आसमान में पतंग उड़ाई और यह निष्कर्ष निकाला कि चमकने वाली बिजली वास्तव में विद्युत ही है। 1860 से 1990 तक पतंगे वैज्ञानिक शोधों के लिए प्रयोग की जाने लगी तथा उपयोगी भी साबित हुई, विशेषकर मौसम विज्ञान, विमान विज्ञान, वायरलेस संपर्क और फोटोग्राफी के लिए पतंगों का प्रयोग किए जाने लगा। लेकिन अब आज के आधुनिक जमाने में पतंग सिर्फ मन बहलाने के लिए उड़ाई जाती है, और इसी के साथ मन बहलाने वाली यह पतंग पक्षी, कबूतर और इंसानों के लिए खतरनाक होती जा रही है। आज हर वर्ष मकर संक्रांति पर सैकड़ों पतंगे आसमान में उड़ाई जाती है। इन पतंगों का तीखा और तेज मांझा कबूतर, अन्य पक्षी, इसके अलावा इन पतंगों का तीखा और तेज मांझा हजारों कबूतरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं
पतंग का एक खतरनाक खूनी पहलू। आइए हम ध्यान आकर्षित करते हैं हमारे देश में मनाए जाने वाले एक ऐसे त्योहार और पर्व का जो हर साल कबूतरों के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है, और वो त्योहार है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के पर्व पर पूरे हिंदुस्तान में पतंगे उड़ाई जाती है, और दिन भर उड़ने वाली ये पतंगे पक्षियों व कबूतर के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इन पतंगों के तेज धार वाले धागों को, जिसे हम मांझा कहते हैं, इसकी चपेट में आकर हर साल हजारों की संख्या में कबूतर व अन्य पक्षी घायल होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। आखिर क्यों हम मुक पक्षियों के कातिल बन रहे हैं? क्यों हम पतंगों से पेच लड़ाकर पक्षियों व कबूतर के हत्यारे बन रहे हैं? क्या यही हमारा पर्व है? आए आपके पास इसका जवाब। जरा सोचिए, मांझे के धागे से थोड़ी सी उंगली कटने पर हमें कितना दर्द होता है, तो कबूतरों के पंख, गर्दन व पंजों के कटने पर उन्हें कितना दर्द होता होगा। हम अपना इलाज तो पट्टी लगाकर कर लेते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि इन कबूतरों का क्या होता होगा? अपनी घायल कटी गर्दन, पंख व पंजे वो किसे दिखाएंगे? बस ऐसे ही तड़प तड़प कर खत्म हो जाए। पतंग के मांझे व धागों से उसके पंख कट जाते हैं, तो क्या वो उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ान भर पाएंगे? तब इन घायल तड़पते कबूतरों को कौवे, कुत्ते, बिल्ली अपना शिकार बना लेते हैं। तो दूसरी तरफ पतंग उड़ाने का खतरनाक पहलू और भी है। हजारों मासूम नासमझ किशोर उम्र के बच्चे कटी पतंगों को लूटने और पकड़ने के चक्कर में रेल की पटरी पर अपनी कीमती जान खो बैठते हैं। लेकिन दुनिया में ईश्वर ने कुछ ऐसे इंसान भी बनाए हैं जिनके हृदय में परोपकार व जीव दया की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस जीव दया प्रेमी में एक ऐसा इंसान जो दया, करुणा व परोपकार की जीवंत मूर्ति है, और वो है जमीन से जुड़े जैन समाज के सच्चे दयालु पुरुषार्थी ललित शक्ति नाम के इस पशु पक्षी व जीव दया प्रेमी ने बरसों पहले अहिंसा की भावना से प्रेरणा लेकर कबूतरों व गायों के लिए जीव दया का अनूठा प्रयास किया। कबूतर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और हमें इनके अस्तित्व की रक्षा करनी है। आइए आज हम सभी प्रण करते हैं कि हम मकर संक्रांति का पर्व तो मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, लेकिन ना तो पतंगे उड़ाएंगे
और ना ही किसी को पतंग उड़ाने की सलाह देंगे। हम सभी जीव दया प्रेमी मिलकर इस पुण्य जीव दया के काम को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाएं।